लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। विराट, मैं अमर सिंह बोल रहा हूँ। किसी ने मेरी भतीजी को किडनैप कर लिया। कितने बजे? सुबह योगा क्लास गई थी लेकिन अभी तक कार नहीं आई। हमने घर से कार भेजी है ये बोलकर वो उसे उठा के ले गए। तुम फौरन अपने एरिया के पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करो। डरो मत, कुछ नहीं होगा, जल्दी करो जाओ। हाँ बोल विराट। आर्मी मैन को उठाकर टॉर्चर किया तो कोई इन्फॉर्मेशन निकल नहीं सकती, इसलिए उनके घर की लड़कियों को उठा रहे हैं। साले। क्यों? उन 12 टेररिस्टों को किस टीम ने मारा ये जानने के लिए वो लड़कियों को किडनैप करके घर वालों को फोन पर धमकी देंगे, ब्लैकमेल करेंगे। उसने एल्बम में जिन लोगों को मार किया था उन पांचों के नंबर्स मैं अभी इसी वक्त तुम्हें भेज रहा हूँ। मुकुंद ध्यान से सुनो, उनको फोन करो, उनके घर की लड़कियां जो इस वक्त बाहर घूम रही हैं उनके नंबर्स लो, कंट्रोल रूम में जाओ, उन सबके सिम कार्ड किस एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं चेक करो। ओके। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम इस वक्त? डिजाइनिंग क्लास जा रही हो। इस वक्त कहाँ हो तुम? सैंटा क्रूज। क्यों? ये 5 मोबाइल नंबर से जल्दी ट्रैक करो किस एरिया में है। यस सर। हेलो विराट, मेरी बहन सुबह जॉगिंग के लिए गई थी, कोई इसे जबरदस्ती गाड़ी में उठा के लेके गया है। नंबर दिख नहीं रहा। हाँ विराट, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। क्यों, क्या हुआ? उन 5 लड़कियों में से एक लड़की का नंबर ऑलरेडी डीएक्टिवेट हो चुका है। और सुन, अभी अभी एक और नंबर डीएक्टिवेट हुआ है। मुझे भी फोन आया था 45 मिनट पहले, उन्होंने दूसरी लड़की को भी किडनैप कर लिया। विराट, हमें बड़ी पुलिस फोर्स चाहिए। उनके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की है, तू कुछ भी करके कंफ्यूज मत करना। अभी क्या करने वाला तू? बताता हूँ, पहले तो ये बता कि वो दूसरा सेलफोन कहाँ डीएक्टिवेट हुआ। वो लड़की जहाँ पढ़ती थी ना, वहाँ से 4 किलोमीटर साउथ मुंबई की ओर ट्रैवल करने के बाद उसका सिम कार्ड भाईकला में डीएक्टिवेट हुआ है। और इससे पहले जो लड़की लापता हुई थी ना, उसका भी सिम कार्ड भाईकला में डीएक्टिवेट हुआ है। ओके, एक काम कर, तू भाईकला के लिए निकल, मैं तेरे को रास्ते में मिलता हूँ। सुन विराट, अभी जो 3 लड़कियां बची है ना, उनको एटलीस्ट फोन करके इमीडिएटली वॉर्न तो कर देते कि कहीं अकेले बाहर ना निकले। देख, तू कुछ भी मत करना, कुछ बिगाड़ना मत। उन 5 लड़कियों से ज्यादा वो स्लीपर सेल्स का हेड इंपॉर्टेंट है, समझे? चल अब जल्दी निकल वहां से। हेलो विराट। हेलो, मेरी सिस्टर सुबह कॉलेज गई थी सेमिनार अटेंड करने। 4th लड़की भी गई। हेलो, यस, 5वीं लड़की भी किडनैप हो गई। अबे तू इंसान है या सेडिस है? तू खुश क्या हो रहा है? यहाँ 5 लड़कियां किडनैप हुई है, उनकी तुझे जरा भी फिक्र नहीं है? मैं जानता हूँ तेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, वो स्लीपर सेल का हेड बाहर आ जाए और तू उसे खत्म कर दे, है ना? तू जानता है वो स्लीपर सेल्स का हेड अगर पकड़ा जाएगा तो क्या होगा? मुंबई में जितने बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, जितने टेररिस्ट एक्ट हो रहे हैं, ये कई सालों के लिए रुक जाएंगे, समझे? अरे लेकिन जो 5 लड़कियां किडनैप हुई हैं, उनकी उनकी जिंदगी दांव पर लग गई है, उनके बारे में सोच, उनके परिवार के बारे में सोच। मुझे किसी बात की परवाह नहीं है। अगर तेरे घर से कोई किडनैप हो जाए उसके बाद भी तू यही बोलेगा? कहा ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और वैसे भी उन 5 लड़कियों में एक लड़की मेरी बहन है, समझे? मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि वो किडनैप की हुई लड़कियों को एक ही जगह पे रखेगा वो टेररिस्ट, उनको भी बचाना है और उस हरामजादे को भी पकड़ना है। नहीं नहीं, एक मिनट, प्रीति, उन 5 फोटो में एक लड़के का नाम सरफराज भी था, उसकी बहन को हटाकर मैंने अपनी बहन को भेज दिया। इस वक्त कहाँ हो तुम? सांता क्रूज। क्यों? एक काम करो, अभी तुम रिजवी कॉलेज जाओ, मेरे टीममेट सरफराज को जानती हो तुम, उसकी बहन की स्कूटी को लेकर इधर आओ। मैं उसकी स्कूटी लेके क्यों आऊं? मैं कह रहा हूं इसलिए, जाओ अभी लेकर आओ। लीवाइस पे 40% डिस्काउंट चल रहा है, 3/4 पैंट खरीद के दोगे? अरे एक क्या, मैं 2 खरीद के दे दूंगा, जल्दी जाओ अभी। ओके।
लापरवाही होते हुए तू ऐसे कैसे कर सकता है? उसको कुछ नहीं होगा, उसको क्या किसी को कुछ नहीं होगा। रोक इधर रोक। पिंकी यहाँ क्या कर रही है? भाई ये और मेरे लिए एक मरून टॉप लेके आना। यहाँ एम्ब्रॉयडरी होनी चाहिए पूरी और इधर मिरर वर्क चाहिए, ठीक है, मीडियम साइज में। ओके बाय, सी यू। ओके विराट, मैं भी मेरे इन्फॉर्मर से पूछताछ करता हूँ। लेट्स सी। पट्टी निकाल दो इनकी। एक एक करके फोटो प्रोजेक्ट करो। इसको कौन जानता है? इसको कौन जानता है? ये मेरे भैया हैं। उधर जा। मेरे चाचा जी। He is my brother. तेरा भाई? नहीं। तेरा भाई? अगला फोटो प्रोजेक्ट करो। मेरे भाई हैं। उधर जा। इन पांचों तस्वीरों में तेरा भाई नहीं है? नहीं। वो ग्रुप के फोटो एक एक करके दिखाओ। इसमें तेरा भाई है? लड़की को हम किडनैप करने वाले थे, उसकी स्कूटी चलाने को किसने कहा था? मेरे भैया ने। बोलो, ऑपरेशन पूरा हो गया? उन 12 लोगों की टीम का हमें पता चल गया है। उस टीम में से एक ने अपनी बहन को दूसरी की जगह भेजा है। सारी लड़कियों के फोन के सिम कार्ड्स निकाल दिए हैं। हम जिस जगह पे हैं उसको पता चलने का चांस ही नहीं है। नो 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 नो, वो बेवकूफ नहीं है। अगर वो अपनी बहन को भेज सकता है तो उसने तुम तक पहुंचने का रास्ता निकाला होगा। वो तुम तक जरूर पहुंचेगा। क्या बोल रहे हो? इससे पहले कि वो तुम तक पहुंचे, लड़की को खत्म करके जगह खाली कर दो। अभी इन चारों लड़कियों को बांध दो और इस लड़की को लेके आओ। जल्दी करो, जल्दी। रुक जा। Woo!
गया है, सबको मारने की कोशिश कर रहा है इधर। पीछे मुड़ो। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। तुम लोगों को थोड़ी देर में मैं टैक्सी में छोड़ दूंगा। अगर पुलिस वालों ने पूछा कुछ देखा तो कह देना अंधेरा काफी था, मेरी शक्ल नजर नहीं आ रही थी, समझे? ओके, कम ऑन, गेट इन टू द कार, कम ऑन फास्ट। ऑपरेशन पूरा हो गया, उन 12 लोगों की टीम का हमें पता चल गया है। उस टीम में से एक ने अपनी बहन को दूसरी की जगह भेजा है। जानबूझकर मुझे फंसाया ना, इतना बड़ा चाकू रखा यहाँ, जरा भी इधर का उधर होता तो मुंडिया लग कर देता। तुम्हारी जान को दांव पे लगाया इसलिए तो हम उसको पकड़ सके। उसके लिए खुद की जान का रिस्क लेना चाहिए था ना, मेरी क्यों, मैंने क्या किया? क्यों, तुम सिविलियन अपनी जान नहीं दे सकते हो क्या? जान देने का ठेका सिर्फ ये मिलिट्री और पुलिस वालों ने ही ले रखा है। हाँ, तुम लोग तो आराम से न्यूज चैनल देखा करो सोफे पे बैठ के, और कमेंट पास किया करो। ये पुलिस वालों को ना ऐसा करना चाहिए था। नहीं नहीं नहीं, मिलिट्री वाले गलत कर रहे हैं, इनको ऐसा करना चाहिए था। खुद कुछ मत किया करो। तुम लोगों के झगड़े में अगर एक बुलेट मुझे लग जाती तो क्या होता? तो क्या होता, जान चली जाती और क्या होता, बस यूं ही जान चली जाती। प्रीति, हजारों को मिटाने का इरादा रखने वाले जब वो टेररिस्ट अपनी जान देने को तैयार हो सकते हैं तो हम लोग अपनी जान क्यों नहीं दे सकते? सोचो। अब देखो, तुम्हारी वजह से वो मेन आदमी पकड़ा गया, वो भी जिंदा। वो मेन टेररिस्ट नहीं है, उसको किसी ने फोन करके ऑर्डर दिया, उसके बाद उन्होंने चाकू निकाला।